हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है बेसन टोस्ट की। तो 5 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही इंस्टेंट नाश्ता है ये, आप इसे फटाफट से ही बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन टोस्ट। तो बेसन टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। साथ में इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज, चॉप की हुई टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं पुदीना के पत्ते, अगर आपके पास धनिया पत्ते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। पुदीना के पत्ते से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्च डाली है और कुछ मसाले, जिसमें धनिया पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, हल्दी कलर के लिए और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। सारे मसाले डालने के बाद सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे और पानी लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। एकदम से सारा पानी नहीं इसमें डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी, जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से हमें पानी को डालते हुए एक इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने। मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया, आप वाइट ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो तवा को गर्म कर लिया है, इसमें डाल देंगे बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे और ब्रेड को जो हमने बेसन का घोल बनाया है उसमें अच्छे से डिप करेंगे। और सब्जियों को थोड़ा सा हाथ से इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जियाँ ऊपर अच्छे से नहीं स्प्रेड हो लगती। आप चम्मच के साथ भी तवे पर जब डालें तो इसे वेजिटेबल्स जो है सब्जियाँ से लगा लें। और लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकने देना है ताकि हमारा जो टोस्ट है वो कच्चा ना रह जाए, बेसन जो है अच्छे से पक जाए। तो गोल्डन ब्राउन सा जब हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरह से अच्छे से पका लेना है। तो ये हमारा बेसन टोस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। तो हम नेक्स्ट दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे, बटर डालकर उसे भी इसी तरह से पका लेंगे। आप अगर बटर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल लेकर इसमें बना सकते हैं, क्योंकि ऑयल भी बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें लगता है। क्योंकि हम इसे डीप फ्राई या सॉलो फ्राई नहीं करें, इसे तवे पर ही ये टोस्ट है तो बहुत ही कम ऑयल इसमें यूज़ होता है। तो देखिए, ये भी हमारा टोस्ट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। खाने में बहुत स्वाद, देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में भी बहुत ही डिलीशियस बना है। तो होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।